कम प्राइस में कमाल पोट्रॉनिक्स के कॉन्स्टेल्टा। ये फिलहाल करे रैप अनबॉक्स रिव्यू, गिव अवे क्या है मेरा ओपिनियन शेयर करूँ आपसे। पैक ऐसा इसका बॉक्स अनबॉक्सिंग का जोन, एक्स्ट्रा ईयरबड फिर सीधा ईयरफोन डाले इस पे नजर। फर्स्ट लुक काफी मस्त, डिजाइन कम्फर्टेबल ही कानों में एडजस्ट। प्लास्टिक की बेल्ट लेफ्ट राइट वाले साइन, केबल थोड़ी थिन पर टैंगल फ्री डिजाइन। फिर बटन कंट्रोल्स और माइक का ये पार्ट, 3 mm पिन रिव्यू कर स्टार्ट। हे दोस्तों, कैसे आप सब, मैं हूं स्पर्श, ये है टेक्नो रैपर का क्लब। सो गाइस, आपने देखा पोट्रॉनिक से कौन डेल्टा वायर्ड ईयरफोन्स का अनबॉक्सिंग रैप एंड फर्स्ट लुक। अब बात करते हैं डिटेल में, मैं आपको देता हूं उसका फुल रिव्यू, ऑल्सो शेयर करूंगा मेरा ओपिनियन कि इनकी प्राइस के अकॉर्डिंग ये वर्थ है या नहीं, एंड इसके जो गिव अवे की इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो के बीच में कहीं भी मैं दे सकता हूं, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। सो यहाँ पर आपको पूरी प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है, बट जो प्लास्टिक है वो अच्छी क्वालिटी का है एंड ऐसा चीप वाला फील आपको नहीं आएगा, ड्यूरेबल क्वालिटी का ही लगता है। डिजाइन की बात करें सो ब्लैक कलर यहाँ पे आपको मिल जाता है एंड काफी कूल एंड सिंपल सी डिजाइन है जो पर्सनली मुझे काफी पसंद आई। सिलिकॉन टिप्स दी गई है एंड मैं कहना चाहूंगा कि इनकी फिटिंग वाकई में काफी बढ़िया है, आप काफी देर तक इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल ये रहते हैं। जो केबल है ये मुझे थोड़ी थिन लगी एंड ब्रेडेड नहीं है, और जो प्रोडक्ट हाईलाइट है वहां मेंशन किया गया है कि इंटरनली इसकी बिल्ड काफी स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल्सो आपको बता दूं टैंगल फ्री डिजाइन के साथ में ये आती है। देन यहाँ पर आ जाते हैं बटन कंट्रोल्स, जिसमें आपको वॉल्यूम के लिए मिल जाते हैं, एक ये म्यूजिक प्ले एंड पॉज के लिए है एंड इससे आप पॉज पिकअप एंड रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एंड देन माइक्रोफोन जो है यहीं पर प्लेस किया गया है जैसे कैजुअली ईयरफोन्स में रहता है। फिर आ जाती है हमारी यहाँ पे 3 mm की पिन जो कि सिल्वर प्लेटेड है एंड इसके अराउंड भी हार्ड प्लास्टिक की कोटिंग की गई है। सो मैं कहना चाहूंगा कि ओवरऑल जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है इसके प्राइस के हिसाब से बढ़िया है। अब आ जाते हैं मेन चीज पे जो कि है इनकी साउंड क्वालिटी। तो यहाँ पर आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं एंड मुझे इनका आउटपुट वाकई में काफी सही लगा, एकदम हाई डेफिनेशन साउंड है विथ रिच बेस। एंड अच्छी बात यह है कि बेस के चक्कर में यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वोकल्स होते हैं, वो कवर नहीं होते हैं, सब चीज़ आपको क्लियरली सुनाई देगी एंड ऐसे में आप हर टाइप के सॉन्ग को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। गेमिंग की बात करें सो कुछ देर तक मैंने इनके साथ गेमिंग भी करके देखी एंड मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा, ऐसी कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। सो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से इनकी साउंड क्वालिटी काफी प्रॉमिसिंग है। सो गाइस, फाइनली बात कर लेते हैं इसके गिव अवे के बारे में। सो अगर आपको ईयरफोन्स जीतने हैं तो आपको 3 simple steps फॉलो करने रहेंगे। पहला, इस वीडियो को लाइक करना होगा, दूसरा चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब एंड थर्ड आपको एक कमेंट ड्रॉप करके बताना होगा आपका क्या ओपिनियन है इन ईयरफोन्स को लेकर एंड ऑल्सो आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके रिजल्ट में 1 December को YouTube पर लाइव आके अनाउंस करने वाला हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड गाइस मेक श्योर कि आप एक ही कमेंट करें, एक से ज्यादा अगर आप कमेंट करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एट लास्ट बात करें इनकी प्राइस की, सो ये आपको मिल जाते हैं 275 rupees में amazon.com पर एंड मेरे हिसाब से इनकी जो क्वालिटी है वो प्राइस को पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है। तो अगर आप इस रेंज में एक अच्छे वायर्ड ईयरफोन्स ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन है। सो अगर आपको परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगी, डायरेक्टली वहीं से आके आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।